शाहजहांपुर में पीड़ित लड़की के पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ के लिए अनशन पर बैठ गए हैं। आसाम की गिरफ्तारी की खबर उन्हें जैसे ही मिली वो थोड़ी राहत में दिखे। हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने पीड़ित लड़की के पिता से बात की। गिरफ्तार हो गए हैं संत आसाराम बापू, की नजर से आप देखते हैं? मैं सबसे पहले आप लोगों को ही बधाई देता हूं कि इस कानूनी लड़ाई में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप सब लोगों ने, देशवासियों ने और पूरे मीडिया कर्मियों ने, मार भी सही है, चोटें भी खाई हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि बेटी को न्याय मिले। तो क्या आपको लगता है न्याय मिल गया? पहली सीढ़ी है न्याय के लिए? अभी न्याय मिला कहाँ, अभी तो न्याय की पहली सीढ़ी पे कदम रखा गया है। मेरा जोधपुर पुलिस से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इसका कोर्ट में चालान पेश करें और इसको बेल ना मिले। कितना दबाव था आपके ऊपर और उस दबाव से आप अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहे हैं? उधर से तो दबाव अब भी पड़ रहा है, दबाव तो अब कोई कम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कल तो और शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि वो दबाव मतलब एक मानसिक मेरे ऊपर पड़ा हुआ था कि इसको कैसे ये खुला घूम रहा है, वो दबाव मेरा दूर हो गया इसकी गिरफ्तारी होने से। अब आगे की लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? इसकी लड़ाई मैं क्या लड़ूंगा, इसकी लड़ाई तो पूरे समाज को लड़नी है, पूरे देशवासियों को लड़नी है। मैं इसकी लड़ाई लड़ने की इसकी मेरी ताकत इससे कहाँ है, कहाँ इतना बड़ा और काम में एक छोटा सा प्राणी। गिरफ्तार कर लेगा सर, आप पूछताछ होगी, तमाम बातें उनसे होंगी, केस रजिस्टर होगा, चालान का आपका कहना है चालान जल्द काटा जाए उनका, लेकिन उसके बाद की जो लड़ाई होगी, क्योंकि आपने बकायदा एफआईआर दर्ज करी है, कैसे इतना दबाव झेलने के बाद क्या लगता है कि जब आप मुकदमा के स्टेज पर आएंगे तब कितना दबाव आपके ऊपर हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और उस वक्त आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये जो लड़ाई लड़ी है अभी तक आपने उसको कैसे आगे ले जाएंगे? समाज की, देशवासियों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से ही मैं इससे लड़ाई लड़ सकता हूँ। एक सबसे अहम बात यह आता है कि आपसे अक्सर बात हुई है तो मैंने आपसे पूछा कि जो आपकी बेटी है जिस पर इतना जुर्म ढाया गया है, आप मुलाकात आपके कैसे हुई आसार आपसे, क्या वो लम्हा बताएंगे कैसे कैसे मुलाकात हुई, संपर्क में कैसे? नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, तो वो बार बार रिपीट करने से वो फिर तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा। नहीं, संपर्क में कैसे आया था आसाराम बापू के, ये मैं पूछ रहा हूँ। आसाराम बापू के मैंने बरेली में सत्संग इनका सुना था, और जो इनका साहित्य ही मेन है, ऋषि प्रसाद वगैरह, लोक कल्याण वगैरह, या फिर ऋषि दर्शन सीढ़ी चलती है, उसके माध्यम से लोगों को बरगला जाता है, और फिर वो जब सत्संग में चले जाते हैं तो उनका मन और दिमाग इस प्रकार मोल्ड किया जाता है कि वो बड़े अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, और इस बहाने से वो बस शुरू हो जाती है कार्रवाई इसके पीछे चलने की। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप, आसाराम गिरफ्तार कर लिया गया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कम लफ्जों में कैसे बयान करेंगे आप? बस क्या बयान करूं, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, आप लोग मेरा साथ देते रहें और मुझे न्याय दिलवा के ही आप लोग माने। पहली फतेह लेकिन आपने हासिल कर ली है? जी हाँ, आप लोगों के सहयोग से, देशवासियों के सहयोग से मैंने पहली मंजिल पा ली है। तो ये थे पीड़िता के पिता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने पहली फतेह तो हासिल कर ली, लेकिन अभी जंग बहुत आगे बाकी है, और उनका ये भी कहना है कि उनको यकीन है पूरे देश पर कि पूरा देश जिस तरीके से अब तक उनके साथ खड़ा था, कंधे कंधे मिलाकर खड़ा था, वो अभी भी उनके साथ खड़ा रहेगा, और वो आखिरी दम तक जब तक उनको बेटी का इंसाफ नहीं मिलता तब तक की वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरामैन दीपक राणा के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर।